अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू तरन्नुम किचन। आज मैं बना रही हूँ चिकन भुना फ्राई की रेसिपी। जितना देखने में ये शानदार है, उतना ही खाने में भी ये टेस्टी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आप लोग को पसंद आएगी ये रेसिपी। मेरे घर में तो बहुत ही मज़े से खाते हैं जब मैं ये भुना चिकन फ्राई की रेसिपी बनाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, आपके घर में भी मुझे यकीन है सबको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं भुना चिकन फ्राई की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे लिया है चिकन, तो मैंने यहाँ 1.5 kg चिकन लिया है और इसमें हम डालेंगे नमक 1 tsp, यानी अपने हिसाब के टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी 1 tsp डाल देंगे और हल्दी डालने के बाद इसे हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हल्दी में अच्छे से सब चिकन में अच्छे से लगाकर इसको अच्छे से और मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हम इसको रख देंगे करीब आधे घंटे के लिए, अच्छे से इसको रख देंगे, अच्छे से नमक हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर और इसका टेस्ट अच्छे से इसके अंदर चला जाए। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पैन लिया है, पैन में हम डालेंगे। मैंने यहाँ पे लिया 2 tsp, यहाँ पे साबुत धनिया लिया है हमने यहाँ पे। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे 1 tsp डालेंगे यहाँ पे सौंफ। इसके बाद हम लेंगे, हम यहाँ पे 1.5 tsp लेंगे, यहाँ पे छोटी इलायची के दाने लिए हैं हमने 1.5 tsp, या काली मिर्च लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें लौंग 5 से 6 डाल देंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से इसको भून लेंगे। तो बस अच्छे से भून लीजिए इसको हल्का सा कलर आने तक, अच्छे से खुशबू जब आने लगे इसका तो फिर इसको गैस बंद कर दीजिए। यहाँ पे हल्का सा भून गया है, कलर भी चेंज हो गया है, तो अभी हम इसको गैस बंद करके इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे और ठंडा कर लेंगे इसको। और ठंडा करके अच्छे से हम इसको एक जार लेंगे और इसमें हम इसको अच्छे से बारीक पेस्ट लेंगे हम, बारीक मतलब पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे जार में और डालेंगे और इसको पाउडर बना लेंगे। तो बस यही मसाला है, बस ये आप ज़रूर मसाला डालिए आप जब भी भुना चिकन बनाए तो, बहुत ही टेस्टी बनेगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पैन लेंगे हम और यहाँ पर हम एक पैन में डाल देंगे, यहाँ पर मैंने लिया है घी। तो आप घी में भी बना सकते हैं या फिर आप तेल में भी बना सकते हैं, तो मैं यहाँ घी में बना रही हूँ। तो घी मैंने यहाँ लिया है 4 या 5 लिया है मैंने यहाँ पे, 4 से 5 चम्मच डालेंगे इसके अंदर घी डालेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो हम डाल देंगे इसमें और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो करीब हम इसे फ्राई करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप सब मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गया है, तेल भी दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम इसको निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे जब इस टाइम पे फ्राई हो जाए 10-15 मिनट के बाद, तो यहाँ पे इसको हम निकाल लेंगे। और जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे घी बचा हुआ है, तो इसमें हम और ही थोड़ा सा और तेल डाल देंगे। तो घी नहीं डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, तेल भी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 से 4 tablespoons यहाँ के 3-4 बड़े चम्मच हम तेल डालेंगे इसके अंदर। और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे 1 tsp जीरा डाल देंगे, साबुत जीरा। इसके बाद हम डालेंगे, मैंने यहाँ पे लिया है सूखी मिर्ची लिया है 2 से 3, और इसको हमने तोड़ के डाल दिया है इसमें। इसको हल्का सा भून लेंगे, हल्का सा जब भून जाए तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे लिया है प्याज 2-3 बड़े प्याज को मैंने चॉप कर लिया है और ये हम डालेंगे। इसको हल्का सा भूनेंगे, तो हल्का सा भून लेंगे कलर चेंज होने तक। तो इसको अच्छे से भून लेते हैं हम प्याज को कलर चेंज होने तक। तो यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लीजिए प्याज को। और जैसे कि देख रहे हैं हल्का सा चेंज हो गया है यहाँ प्याज, थोड़े से कलर और चेंज करेंगे इसका प्याज का। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से हल्का सा यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। इस टाइम पे हम डाल देंगे, यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर का प्योरी लिया है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 से 4 बड़े टमाटर को मैंने प्योरी बना लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर प्योरी, ऐसे डालकर हम करीब 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो अच्छे से 2 मिनट के लिए हम भून लेते हैं टमाटर को। यहाँ पे जैसे कि देख रहे 2 मिनट भून गया है, अच्छे से कलर भी आ गया है। तो इस टाइम पे हम डाल देंगे इसमें हमने जो चिकन फ्राई किया है वो चिकन इसमें हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे चिकन डाल देंगे इसके अंदर और इसके बाद हम चिकन को भी डालकर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे चिकन को इस टमाटर प्योरी के अंदर, अच्छे से भून लीजिए। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाना, इसे बहुत ही आसान है, ज़्यादा मसाला भी हमें यूज़ नहीं करना पड़ता है और बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होता है हमारा भुना चिकन फ्राई। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें, मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो आप प्याज में, जब प्याज फ्राई करते हैं उस समय भी डाल सकते हैं या फिर इस समय भी डाल सकते हैं, इसमें टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं इसको भी हम डालकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, भूनेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है मिर्ची पाउडर, तो ये हम डाल देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें मिर्ची पाउडर के बाद डालेंगे हमने जो मसाला तैयार किया है गरम मसाला भूनकर, वो हम डालेंगे इसमें 2 tablespoons डाल देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे और इसके बाद हम भून लेंगे इसको डालकर। तो करीब 5 से 6 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। तो बस मसाला हमें यही यूज़ करना है और कुछ एक्स्ट्रा मसाला हमें नहीं डालना है, बस हमें ये मसाला में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है चिकन, यानी भुना चिकन फ्राई। तो बस यहाँ पे 2 से 3 मिनट भून गया है। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें दही। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दही लिया है, तो यहाँ फ्रेश दही यूज़ करें आप। तो यहाँ पे दही ले लीजिए, इसके बाद डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको दही में। हमारा चिकन फ्राई में इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना होता है, तो हमने टमाटर प्यूरी में भी गल जाता है और दही में भी पानी अभी छूटेगा तो इसमें भी हमारा चिकन अच्छे से गल जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो गया है 2-3 मिनट के लिए। तो इसके बाद हम इसे ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए।
तो ढक के रख देंगे हम 5 से 10 मिनट के लिए। इसके बाद हम चेक करेंगे तो जैसे 5 से 10 मिनट हो गया है। अब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं साइड से तेल अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है, अच्छे से भून गया है। थोड़ी देर के लिए हम इसे अच्छे से चला लेते हैं। अच्छे से भून भून कर इसे फ्राई करना है, अच्छे से पकाना है। तो क्योंकि ये भुना चिकन फ्राई है तो बस इसमें अच्छे से भून के पकाते रहना है। 2-3 मिनट के लिए मैं और भून लेती हूँ इसे। इसके बाद हमारा चिकन फ्राई रेडी हो जाएगा, भुना चिकन फ्राई की रेसिपी। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं 2-3 मिनट हो गया है, मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे इसमें अच्छे से, और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस हमारा बनकर तैयार हो जाएगा भुना चिकन फ्राई की रेसिपी। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कम मसाला में हमारा बनकर तैयार है हमारा भुना चिकन फ्राई की रेसिपी। तो यहाँ पे हम एक बोल में निकालेंगे और बस इसे गर्मा गर्म हम इसे सर्व करेंगे। तो गर्मा गर्म आप इसे बटर नान के साथ खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे नान बनाया है, बटर नान, तो इसके साथ सर्व करें। जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, देख के यहाँ पे लग रहा है बहुत ही कमाल का। तो मैं तो बोलूँगी आप आज ही इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिए, आप लोग इसे मिस बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पे तैयार है हमारा बनकर चिकन फ्राई, यानी भुना चिकन फ्राई की रेसिपी, और मैं इसे गर्मा गर्म बटर नान के साथ यहाँ सर्व करने वाली हूँ। तो आप लोग भी इंजॉय करिए इस रेसिपी को, बनाइए, और मुझे यकीन है आप सबको पसंद आएगी। और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखें और टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।